जमीन पर बिछी ये काली सी पट्टियां जिन्हें हम सड़कों के नाम से जानते हैं, आज सड़कों के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेईमानी है। इन्हीं सड़कों से आर्थिक और सामाजिक जीवन का विकास संभव हो पाया है। अंग्रेजों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद व्यापार को बढ़ाने के लिए तेजी से सड़कें बनाना शुरू की। इन्हीं में से एक थी इंडो तिब्बत सड़क मार्ग, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जिसे आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश भारत के समय में बनी हुई एक ऐसी सड़क है जिसके पीछे का इतिहास बहुत रोचक है। आप जानते हैं कि 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो है वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, जिनका कार्यकाल जो है 1856 ईस्वी तक रहा था। तो इनके कार्यकाल में ही जून 1850 में नेशनल हाईवे नंबर 5 यानी कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई थी। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण कालका से शुरू हुआ था, लेकिन इसका सबसे ऊंचा हिस्सा किन्नौर में बना था। उस समय ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क थी। जून 1850 में नेशनल हाईवे नंबर 5 यानी कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई थी। इसके लिए उन्होंने काम का जो जिम्मा है वो सौंपा कमांडर इन चीफ मिस्टर चार्ल्स नेफियर को, और चार्ल्स नेफियर ने आगे का जो काम है वो अपने सचिव मिस्टर कैनेडी को सौंपा। इसलिए आपने बहुत दफा सुना होगा कि इस सड़क को जो है कैनेडी का सड़क भी कहा जाता था। एक वो समय था जब तिब्बत और भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध था। तिब्बत के व्यापारी भारत में ऊन, रेशम, मखमल, तिब्बती नकाशी की वस्तुएं, चमड़े से बने जूते और चप्पल का व्यापार करते थे, जबकि भारत के व्यापारी तिब्बत में चावल, नमक, तेल, राजमा जैसी चीजों का व्यापार करते थे। इस सड़क को बनाए जाने के पीछे जो है खास मकसद यही था कि भारत और जो तिब्बत है उसके बीच में जो व्यापारिक संबंध है और अधिक मजबूत हो जाए। अंग्रेजों ने इसे सिल्क रूट का नाम दे रखा था। इस टनल की खास बात ये भी थी क्योंकि पहली ऐसी टनल थी जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर बनाया जा रहा था। पूरे भारत में ये पहले ऐसा सुना था। यही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क है वो भी अपने आप में पूरे विश्व में उस समय पूरे विश्व में पहली ऐसी सड़क थी जिसका निर्माण जो है इतने हाई एल्टीट्यूड पर बनाया जा रहा है। ये सड़क तिब्बत के अंदर तक जाती थी। उस समय तकनीकी रूप से मानव इतना सक्षम नहीं था। हजारों मजदूरों ने हाथों से चट्टानों को काटकर इस सड़क को बनाया था। तो इस सड़क को बनाते हुए बहुत सारी कई घटनाएं घटी, बहुत रोचक है। इनमें से एक थे जो संजोली का जो टनल है, डली संजोली का जो टनल है, इसका बनना, क्योंकि इसको बनाने के लिए 18,000 लेबरर्स लगाए गए थे और मिस्टर ब्रिग्स इसके जो देखरेख करने वाले अधिकारी थे उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था। और 18,000 लेबरर्स ने बहुत ही संजीदगी के साथ, मेहनत के साथ इसको बहुत कम समय में पूरा किया, जिसका बनना 1850 में शुरू हुआ था और 1852 में ये बनकर तैयार हुआ था। 1952 में पहली बार इस सड़क से गाड़ी किन्नौर के रोघी तक पहुंची थी। आजादी के बाद 1962 के इंडो चीन युद्ध में भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल किया था। उस समय भारत में यही एकमात्र ऐसी सड़क थी जो सीमांत क्षेत्रों तक भारतीय सेना के पास गोला बारूद समेत राशन इत्यादि पहुंचाने में सक्षम थी, लेकिन आज ये सड़क कई जगहों पर बंद पड़ी है। मैं देख रहा हूं कि पर्यटन की दृष्टि से जहां जिला किन्नौर में अपार संभावनाएं हैं, वहीं ये पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड बहुत ही दयनीय हालत में है। सड़क के बंद होने के कारण सेना को 60 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय कर इंडो चीन बॉर्डर तक पहुंचना पड़ता है। 2000 में जब ये फ्लड आया था और 2005 में जो फ्लड आया था, तो हमारे जो नकदी फसल है, सेब है, चिल और जो मटर है, ये सारे के सारे जो है हमने यहीं से ले गए थे, क्योंकि नीचे जो सतलुज के साथ जो हाईवे है वो तो बंद हो चुका था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ये एक ऐतिहासिक महत्व का और जो है सामरिक महत्व से जो ये ओल्ड HT है, इसे रिस्टोर कर जो है इसे सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इसका हमारा अगर नीचे से रोड कट जाता है, हमारा NH कट जाता है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव रोड भी बन सकता है। और सबसे ज़्यादा इसकी टूरिज्म के रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक सेक्रेटरी साहब जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट है उनसे टेकअप कर लिया गया है, इसकी DPR बनाई जाएगी और
मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, मैं डिस्कस कर रहा था आज भी, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर पाए, क्योंकि अगर ये 400-500 करोड़ का है तो स्टेट बजट से शायद मुश्किल हो जाएगा इसको लेना। तो हम कोशिश करेंगे इसकी अच्छी सी एक DPR बना के वर्ल्ड बैंक को सबमिट करें, ताकि वो हमें ये अप्रूव करे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और अल्टरनेटिव रोड पॉइंट ऑफ व्यू, और इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो ध्यान में रखते हुए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये रोड बने और अच्छा बने, और इससे लोगों का भी फायदा होगा, जिला का भी फायदा होगा। अगर इस सड़क की हालत को सुधारा जाता है तो किन्नौर को पर्यटन की दृष्टि से मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय किसानों और बागवानों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। इसके साथ ही चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने पर इस सड़क को सेना इस्तेमाल कर सकती है। सेना की रसद इस मार्ग के जरिए आसानी से बॉर्डर तक पहुंचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।